11 शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए बजा सायरन। फिर विधायक ने लोगों को मास्क पहनाकर की अपील। सिबनी मालवा मकड़ा एक्सप्रेस 24 रिपोर्टर के यदुवंशी की खास खबर। कोरोना संकट के प्रति आमजन को संवेदनशील बनाने के लिए सुबह 11 शाम 7 बजे पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2 मिनट के लिए सायरन बजाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करने का संकल्प लिया। सिवनी मालवा के जय स्तंभ चौक पर सायरन की आवाज सुनते ही सब लोग 2 मिनट के लिए रुक गए, जिसके बाद भाजपा विधायक ने लोगों को मास्क पहनाकर मास्क और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील भी की। इसके बाद विधायक एसडीएम एसडीओपी सहित भाजपा कार्यकर्ता बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और आम लोगों में जागरूकता लाने की अपील करने के लिए निकले, जहां भाजपा विधायक ने लोगों सहित व्यापारियों से दुकानों के बाहर गोले बनाने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस बनाने की अपील की गई। कोविड-19 का मेरे साथ ही हो जाओ। परसों है, परसों अपना कल है ना? नहीं, परसों अपना अभियान ही है। और कल का वो है, वो हितग्राहियों को वो वाला। तो परसों जो अपना है उसमें लगवाना आप। तो अरे मैं तो सोच रहा मेरे ऐसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, परसों है ही ना अपना, पूरा प्रदेश लगवा लेंगे साथ में, है ना? लगवा लिया। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अपने तीनों का लगवाया? नहीं, बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया। देखिए, शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जागरूकता के लिए शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आगामी एक सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा, मास्क बांटे जाएंगे, सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, ताकि जन सामान्य में जागरूकता आ सके कि कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है, और नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ ना करें, कोई बड़े कार्यक्रम ना करें, ये हमारा सभी लोगों से निवेदन है। कोरोना को देखते हुए आज किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बैठक करके और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं कि करेक्ट 11 बजे सायरन के साथ गाड़ी पूरे नगर में घूमेगी, और उसके बाद शाम को 7 बजे भी 2 टाइम पूरी गाड़ी नगर में सायरन के साथ घूमेगी। वो सायरन बजने का मतलब ये है, वो ये संदेश दे रही हैं कि कोरोना का फिर से पुनरागमन हो गया है, हमको सावधानी रखना है, डिस्टेंस बना के रहना है, मास्क हमेशा लगाना है, बिना मतलब के बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरी काम हो तभी मास्क लगा के जाएं, और जो दुकानें हैं तो दुकानों के सामने गोले बने रहें, दुकानदार भी मास्क लगाए और ग्राहक से भी बोले बगैर मास्क के वो दुकान में नहीं आए। तो फिर से कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना को पराजित करने के लिए फिर से ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा है, उसी के परिपालन में आज हम 11 बजे सायरन के साथ गाड़ी पूरी गई है, और नगर में हर दुकान पर जा जाके दुकानदार को समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, और ग्राहक को भी मास्क लगाने के लिए कहिए। इस प्रकार से कोरोना को रोकने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, और साथ ही हम हर दुकान पे और घर घर जाके ये भी बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर आयु के कोई हमारे भाई हो या बहने हो, तो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें। सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरी व्यवस्था है, और वो वैक्सीन लगाएं। इसके लिए भी हम जन जागरण कर रहे हैं, सभी लोगों को इस प्रकार के दिशा निर्देश देके, उनको समझाइश देके, उनको प्रेरित कर रहे हैं।